अब्बोटाबाद का मेन बाजार जो है वो शुरू हो गया। ये आपका डाइवो एक्सप्रेस भी है, इधर अंदरूनी अब्बोटाबाद का बाजार है, काफी गहमा गहमी है, काफी रश है। ये इलियासी मस्जिद है भाई, ये कुदरती पानी ऊपर से आ रहा है। यार बड़े जबरदस्त है पकौड़े, ये देखो हमने सारे खत्म कर लिए। क्या खूबसूरती है यार, इन पहाड़ों में आके ना दिल खुश हो जाता है। अच्छा ये सामने ऊपर सी पैक है, हाँ अच्छा अभी आम का जूस पी के ना फ्रेश हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया। और ये अभी चढ़ाइयों में जा रहे हैं, एब्बोटाबाद के चढ़ाइयों में जंगल, इसको कहते हैं जंगलात वाला एरिया। ये आपकी चढ़ाइयाँ, अच्छा ये अभी हम एब्बोटाबाद के बाज़ार की तरफ रवा दवा हैं, और एब्बोटाबाद का बाज़ार जो है ना वो अभी पहुँचने वाला है। तो जूस काफ़ी मज़े का था, काफ़ी टेस्टी था। आसपास काफ़ी पहाड़ हैं, बहुत ज़बरदस्त मौसम है एब्बोटाबाद का। चल भाई ये देखें, ये एब्बोटाबाद का अड्डा, यहाँ से हर एरिया के लिए गाड़ियाँ जो है वो जाती हैं। ये भाई एब्बोटाबाद का मेन बाज़ार जो है वो शुरू हो गया। ये आपका डाइवो एक्सप्रेस भी है इधर, काफी गहमा गहमी है इस बाजार में। काफ़ी सुजुकियाँ हैं, सुजुकियाँ ही सुजुकियाँ हैं, जहाँ देखो सुजुकियाँ। ये मकामी लोग जो हैं वो सुजुकियों पे बहुत सफ़र करते हैं। ये अभी अंदरूनी एब्बोटाबाद का बाजार है, काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी रश है। ये जी एब्बोटाबाद का बाज़ार आ गया, और बड़ी गहमा गहमी वाला बाज़ार है, आप देख सकते हैं, और बहुत बड़ा बाज़ार है ये।
इधर आपका काकुल भी इधर है एबटाबाद में, और ये एबटाबाद पूरा आपका कैंट एरिया है। एबटाबाद में 90% एरिया जो है ना वो आर्मी के पास है। ये देखें आपको सामने नजर आ रहा होगा बलोच सेंटर, एफएफ सेंटर, आर्मी मेडिकल कॉर्पस सेंटर। ये अभी आपका कैंट एरिया जो है ये शुरू हो गया एबटाबाद में, काफी रश है यार, बहुत रश है। ये आपका कैंट एरिया, सामने आपको टैंक नजर आ रहा होगा, ये सामने है आपका काकुल का एरिया है। इसका मेन गेट जो है वो आगे है, यहां से भी ऊपर आप जा सकते हैं। अच्छा अभी ये जो रास्ता है ना ये वाला, ये ठंडियानी मरी और ये इस तरफ ये रास्ता जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम है एबटाबाद का, बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही। ये फुल आप देख सकते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आर्मी की जगह है। अभी ये एबटाबाद की बिल्कुल अंदरून सिटी में हम जा रहे हैं, और ये एबटाबाद का डबल रोड है। ये देखिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, ये काकुल है भाई, इस साइड पे आपका काकुल है। और नया नया कैंडिडेट भी भर्ती होता है, वो सबसे पहले काकुल आता है, इधर ट्रेनिंग होती है, 2-2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो है वो कैप्टन बनता है, फिर मेजर, फिर कर्नल, फिर करते करते जर्नल तक लोग पहुंच जाते हैं। ये सामने आपका काकुल। अभी नमाज का टाइम हो रहा है और नमाज भी पढ़नी है, काफी थक भी चुके हैं, तो हमने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। काफ़ी रश है यार, बहुत ज़्यादा रश है। मेरे ख़्याल से ये बच्चों को ना स्कूल से छुट्टी हो गई है। देखें द सिटी स्कूल, और काफ़ी स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इधर एबटाबाद में हैं, जो दूर दराज से लोग इधर एबटाबाद आते हैं यूनिवर्सिटी में। मेडिकल कम्प्लेक्स भी इधर है, मेडिकल की जो पढ़ाई है वो भी यहाँ पर होती है। भाई जान किधर आ रहे हो, रॉन्ग वे पे आ रहे हैं भाई। ये सामने एक मस्जिद आई है आसिम, ये है मस्जिद, ये मस्जिद आई है, अभी सफराना नमाज पढ़ते हैं। ये रास्ता जो है ये इलियासी मस्जिद को जाता है, और इलियासी मस्जिद एबटाबाद में बहुत मशहूर मस्जिद है। मशहूर इस बात पे है कि इस मस्जिद से बाहर जो है वो तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे बैठे हैं जो पकोड़े बेचते हैं, और इनके पकोड़े बड़े मशहूर हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। जब भी एबटाबाद आते हैं तो लोग ये पकोड़े लाजमी खाते हैं, चाय पीते हैं। दूसरी बात ये है इलियासी मस्जिद की के इसमें जो पानी है ना वो कुदरती आ रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा।
वो इस तरह आ रहा है कि ऊपर पहाड़ में एक चट्टान से पानी आ रहा है। बहुत तारीखी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। हम भी यहाँ के जो पकोड़े हैं वो भी ट्राई करेंगे, चाय पियेंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ के पकोड़े जो हैं वो खाने के लिए आते हैं। अब हम भी ट्राई करेंगे कि यहाँ के जो पकोड़े हैं वो कैसे हैं। और जो कुदरती पानी ऊपर से आ रहा है वो भी पी कर देखेंगे कि कैसा टेस्ट है उसका, हाजमोदार है या नहीं। ये सामने आपकी इलियासी मस्जिद आ गई है, ये इसकी पार्किंग है। और यहाँ पर आप ये रश देख रहे होंगे, ये देखें, ये दिखाओ आसिम, ये पकोड़े वगैरह जो है बन रहे हैं। ये इलियासी मस्जिद है भाई, ये कुदरती पानी ऊपर से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं सामने मस्जिद, ये बहुत पुरानी मस्जिद है और कुदरती पानी जो है ना वो ऊपर से आ रहा है इस मस्जिद में, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये इलियासी मस्जिद के अंदर हम आ गए और ये आप पानी देख रहे होंगे, ये ऊपर से कुदरती पानी आ रहा है। ठीक है, कुदरती पानी आ रहा है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये सामने पकौड़े पक रहे हैं, अभी हम इधर बैठे हैं और बहुत सारे लोग इधर आए हुए हैं। ये हमारे पास जो है वो मशहूर चिप्स वाले जो पकौड़े हैं ना, वो जो इलियासी मस्जिद बड़े मशहूर पकौड़े हैं, हमारे पास आ गए हैं। ये हमारे पास है इमली की चटनी, इसके ऊपर हल्का हल्का मसाला डाला हुआ है और बड़े मज़े का है। आसिम भाई टेस्ट कैसा है? जबरदस्त। अभी इंशाल्लाह चाय भी आने वाली है।